अपना घर डेकोर कैसे कर सकते हैं घर की वेस्ट आइटम से। तो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा था, ये मैं कान्हा जी के बैकड्रॉप बना रही हूँ, जैसे दूल्हा दुल्हन के पीछे बनी होती है। इसको मैंने साइड भी बाउंड्री टेप लगा ली है और इसके ऊपर मैं ये चार्ट पेपर लगा रही हूँ। चार्ट पेपर मैं दो कलर के लेके आई हूँ जिससे कि ये लुक इसकी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बीच में जो मैं ये रेड वाला लगाऊंगी और जो ग्रीन वाला है वो मैं साइडों में लगाऊंगी, ठीक है? आपको जौन से कलर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मेरे को ये दो कलर अच्छे लगे थे इसलिए मैं ये दोनों कलर लेके आई हूँ, आपको जौन सा अच्छा लगे आप वो ले आएँ। और जो फेविकॉल होता है या आप जिससे भी लगाएंगे आप उसको बीच में ना लगाएं, बीच में ना चिपकाएं, क्योंकि इससे क्या होगा जो भी हम चिपकाएंगे ना उसके निशान पड़ जाएंगे। तो आपको साइड में और नीचे की तरफ लगाना है, बीच में नहीं लगाना है, इससे आपकी इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए मैं आपको बाउंड्री में लगा के दिखा रही हूँ, बीच में मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है और अच्छे से चिपक जाता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये जैसा मैं सोच रही हूँ अगर वैसे ही लुक आई तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक आइडिया लगाया है मैंने, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि घर बैठी वेस्ट चीज़ों से यूज चीज़ कैसे बनाएं। तो ये मैंने ये सारी अच्छे से चिपका ली है। और ये गोल्डन टेप होती है ना बहुत सस्ती होती है, ये मैं अपनी यहाँ इसकी बाउंड्री पे लगा दूँगी जोड़ पे, जिससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी और हमारे जोड़ भी छुप जाएंगे। तो इसको मैं सारी बाउंड्री पे लगा लेती हूँ वन बाय वन करके, ये कैसे आराम आराम से लगाएं और आराम से चिपक जाती है ये। ये बहुत तरीके की वैरायटी की टेप आती है, मैं ये गोल्डन कलर की लाई हूँ, आपके जौन से कलर के साथ मैच कर आप वो ये ले आएँ और इसे अपने इसमें यूज़ ज़रूर करें। ये देखिए मेरे इसकी फाइनल लुक, मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है टेप से ये, और मिरर लगा रही हूँ बड़े बड़े साइज़ के गोल। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जैसे मर्ज़ी लुक इस पे बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन बना सकते हैं। क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा कीजिए, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है, क्रिएटिविटी से ही हमारे में कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा पैदा होती है, ठीक है? तो अगर हम जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे तो हम कर भी नहीं पाएंगे। देखिए मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है और इससे क्या होता है हमारे बच्चों की बॉन्डिंग भी अच्छी बनी रहती है और हमारी हेल्प भी हो जाती है। बट मुझे डर लग रहा था ये मिरर है हाथ ना कट जाए उसका, लेकिन बच्चे हैं जो मानते कहाँ हैं, नहीं हम भी हेल्प करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी ज़्यादातर मेरे हर काम में काम मतलब मेरी हेल्प करती है। और ये देखिए हमारी ये फाइनल हमारे ये तैयार हो गए हैं, ये हो गया फाइनल। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ साइड मेरी अभी खाली है, इसका मुझे लग रहा है मैं कोई स्टेंसिल आते हैं ना उससे मैं कुछ छाप के मतलब वो बनाऊँ, एक्रेलिक कलर से कुछ बनाऊँ। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, बीच का तो मेरा हो गया लेकिन साइड का क्या करती हूँ, या तो मैं मोर के पंख सिंपल लगा दूँगी क्योंकि कान्हा जी के फेवरेट हैं, बाकी नहीं तो मैं एक्रेलिक कलर से कुछ सोचती हूँ, कुछ माइंड लगा रखा है अभी। अभी तो बीच का तैयार हुआ है तो इसको हम छोड़ते हैं अभी साइड में और मैं अपने और दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो ये मैंने मटकियाँ ली हैं, जन्माष्टमी और मटकी का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ये मटकियाँ लाई हूँ, ये बड़ी मटकी है और ये चार मैंने छोटी मटकियाँ ली हैं, इसको भी मैं सजाऊंगी और ये डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छी काम आती है। और ये मेरे छोटे वाले लड्डू जी का ये झूला, इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया था लेकिन मेरी मजबूरी थी। और ये है मेरे बड़े लड्डू जी का, ये मैंने खुद घर में बनाया था, ये थोड़ा हिल गया है, इसको थोड़ा रिप्लेस की ज़रूरत मतलब रिपेयर की ज़रूरत है, तो ये मैं ठीक करूँगी इसको। और बाकी ये सब सामान जो मैंने अभी यूज़ किया है इसमें भी और अभी और भी जगह यूज़ होगा ये मिरर वगैरह। तो चलिए अब हम अपनी मटकी को पेंट कर लेते हैं वन बाय वन, तो देरी ना हो जाए। जो सा आपको कलर पसंद हो, ये मैं बार बार कहती हूँ आप, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं ले रही हूँ वही चीज़ आपको लेनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ बस। ये एक्रेलिक कलर्स हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, हाथों पे भी नहीं लगते हैं, वॉश करोगे तो आराम से उतर जाते हैं। तो मैं इसमें
रेड में मेहरून कलर लेके आई हूँ और मैं ये छोटी मटकी पे कर रही हूँ वन बाय वन करके। मटकियों में क्या है, ये तो बहुत अच्छी अगर सजी, आप घर में वैसे भी सजा सकते हैं। और अब तो त्योहारों का टाइम शुरू हो गया, फेस्टिवल का, तो अभी इस टाइम आप इसमें माखन सजा के रखें, और जब जन्माष्टमी ये दिवाली आए तो आप इसमें वैक्स भर के कैंडल के इसमें सजा सकते हैं। और अपना अभी जब गणेश चतुर्थी आ रही है तब भी आप इसे सजा सकते हैं। तो ये मेरी पांचों मटकियाँ रेडी हो गई हैं, अब मैं इनको सूखने देती हूँ और अब अपने छोटे वाले लड्डू जी का झूले को रिपेयर करते हैं। अब इसको पेंट करना है तो उसके सारे पहले फ्लावर उतारने पड़ेंगे और अच्छे से इसको साफ़ करके मैं गोल्डन पेंट करूँगी। मुझे ये कलर पसंद नहीं आया था, लेकिन क्या करती हूँ, मुझे ये मैंने एक दिन पहले ही लेके आई थी, मतलब रात को ही लाई थी मैं जन्माष्टमी के, तो मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने एक साल तो चला लिया। लेकिन इस साल मैंने कहा चलो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, आप पूरी पुरानी चीज़ों को भी हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसको एक नया लुक दे सकते हैं, नया गेटअप आएगा तो एक अच्छी चीज़ लगती है। एक तो ये नया हो जाएगा और नई लुक आएगी। तो मैंने इस पे, ये सिल्वर कलर है बट मैं इसको गोल्डन कलर करूँगी, तो इसके मैं सारे पार्ट को अलग अलग कर लेती हूँ अच्छे से। अलग अलग करने के बाद अच्छे से पेंट होगा इस पे, इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। और इसे मैं कपड़े से साफ़ करके, ताकि इसमें कोई मिट्टी लगी हो तो पेंट ख़राब ना हो, अच्छे से हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, पेंट करने से पहले आप अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि मैंने तो ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मेरे पास थे ग्लव्स, मैं इसलिए लाई नहीं मार्केट से, बट मेरे बच्चों ने कहीं छुपा के रख दिए, पता नहीं कहाँ कर दिए, गुम गए तो मुझे मिले नहीं, तो मेरे हाथों पे भी पूरा ही पेंट वेंट लग रहा था। तो ये तो ऑयल पेस्ट है, ये उतरता नहीं है, इसको थिनर से या पेट्रोल से आप उतार सकते हैं। तो ना ही मेरे पास बाय लक, ना मेरे पास ग्लव्स थे, ना ही थिनर था और ना ही पेट्रोल था, तो मैंने तो रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से इसे साफ़ किया और बहुत ही कम हाथ लगा रही हूँ, देखो आप देख रहे होंगे मुझे। और पूजा में मुझे ये गोल्डन मेहरून रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है, ये शुभ कलर लगता है मुझे, तो मैं इसको गोल्डन कलर कर रही हूँ। डबल कोट कर रही हूँ मैं इसे, और सिंगल कोट से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही थी इसलिए मैंने डबल कोट किया है, और इसको मैंने रात का टाइम करके छोड़ दिया था ताकि ये सुबह तक सूख जाए। अब मेरी बारी आ जाती है मेरी मटकियों की। अभी इनके जो पेस्ट है, कलर मैंने किया था, ये सूख गया है, तो इनको भी मैं वन बाय वन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि खाली सिंपल ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मेरे पास कुछ लेसिस वगैरह थी, क्योंकि मैं इनका काम करती रहती हूँ, कपड़े वपड़े बनाती रहती हूँ, कुछ भी लेसिस वगैरह का कहीं सजाने के काम आती रहती है, तो मैं वन बाय वन अपनी मटकियाँ सजा रही हूँ। मैं ये वाली मैं नहीं लेके आई थी मटकियों में लगाने के लिए, तो हर मटकी में अलग अलग उसमें सजाऊंगी। आपको मेरी मटकियाँ, कौन सी मटकी ज़्यादा अच्छी लगी हो वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी। आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें, आप लोग वीडियो को कमेंट करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके करते हैं, वहाँ पे मुझे फ़ायदा नहीं होगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को वहीं यूट्यूब पे ही शेयर करें, कमेंट करें, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि मेरी वीडियोस को देख रहा है। मेरी बहुत मेहनत है इस वीडियो में, मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत करती हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो को शूट करना और अपलोड करना ही मेहनत नहीं होता है, इन चीज़ों को सजाना तो बहुत ईजी है, बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपने वीडियो में लाना है और वीडियो को अपलोड करना है, बहुत मेहनत हो जाती है। तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल कीजिए, मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आई हूँ तो आप, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो आपको मेरी हर एक मटकी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरा जैसा मेरा माइंड काम कर रहा था वैसे मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर मटकी मेरी अलग लुक की होगी, एक जैसी मटकी मैंने नहीं बनाई है, चाहें तो आप एक जैसी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको चार पांच आइडिया दे रही हूँ इसलिए मैं अलग अलग मटकी बना रही हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कुछ ऐसे ही मतलब बन रही है, बाकी आप देखें। ये मेरी फर्स्ट मटकी तैयार हुई है, अब मैं आपको अपनी दूसरी मटकी बना के दिखाऊंगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो ऐसे ही मेरी मटकियाँ तैयार होती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। आपको मेरी कैसी लगी हूँ, मुझे ये सेकंड नंबर की मटकी जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है,
इसके लुक मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, बनाने का तरीका भी, माइंड मेरा इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। क्रिएटिविटी अपनी जगाएं, जो आपकी क्रिएटिविटी दबी हुई हो उसको जगाएं, उभार के लाएं। मेरे को ये काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको इसलिए करना पसंद करती हूँ। घर में बाहर बाज़ार से तो लाए हुए चीज़ें हम सजा सकते हैं, लेकिन घर में हम अपने अपने हाथों से सजाएं, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये देखिए मेरी सेकंड मटकी भी तैयार हो गई है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से सजाया है। इसकी लुक आपको कैसी लगी? ये मुझे अपनी सेकंड मटकी ज़्यादा प्यारी लगी है। ये है मेरी मटकी की फाइनल लुक। अब मैं अपनी थर्ड मटकी सजा लेती हूँ। ये है मेरी थर्ड मटकी। मेरे एक्चुअली मुझे इसमें पत्ती वाले चाहिए थे, लेकिन वो वाले मुझे मिले नहीं। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं मुझे जो नहीं मिल पाती हैं, तो मुझे कुछ का कुछ आइडिया लगाना पड़ता है। तो इसीलिए होती है, इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। अपने अंदर जगाएं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो भी जगाएं। ये है मेरी फोर्थ मटकी। अगर आपके पास मान लो कोई चीज़ नहीं है, और आपको कैसे वो चीज़ नहीं है उसके मतलब बिहाव पे आप कुछ और चीज़ कैसे बना सकते हैं, आप ये कोशिश करें। तो मेरी चारों मटकियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब मैं अपनी फिफ्थ मटकी, जो मेरी माखन मटकी होगी, वो वाली लगा रही हूँ मैं। इसमें मैं माखन भर के लटकाऊंगी, तो इसको भी हमने सजाना है। इसमें मैंने लेस लगाई है ये वाली, और बड़े बड़े मिरर से इसको सजाऊंगी मैं। मेरा माइंड तो यही काम कर रहा है, बाकी आप देखें आपको कैसे लगे। आपको मेरी कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो आप इसमें ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें कि आपको मेरी कौन सी मटकी अच्छी लगी हो, या कौन से मेरा आइडिया अच्छा लगा हो, या कुछ आपके आइडियाज़ हो तो जो आप मुझे शेयर करना चाहें तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी और अच्छा अपने आप को दिखा सकूं। तो मेरी पांचों मटकियाँ रेडी हो गई हैं, तो मैं इनको सूखने के लिए रख देती हूँ साइड में। तो अब मैं अपने बड़े वाले लड्डू जी के झूले को सही कर लेती हूँ, जो ये हिल रहा था, और ये कुछ इसके चेन्स वगैरह लगाई थी, ये मुझे इसकी कॉपर वगैरह ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए हमारे ये जो मैंने झूला ठीक किया, इसकी फाइनल लुक ये है कि मैंने चेन हटा के मोतियों की माला लगाई है, और ये फूल लगाए हैं साइडों में, और इसको मैंने थोड़ा सा और सही कर दिया है, ताकि ये झूला साथ में ना टकराए। और मेरा हो सकेगा तो मैं इसे फूलों का भी काम करूँगी जन्माष्टमी वाले टाइम पे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अप्रिशिएट करें मेरे को, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।